हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज टॉपिक लेके आए हैं आपके पास क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज। उसका टॉपिक है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसमें कहा जाता है कि जब हम लोग एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में डालते हैं और उसे ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियल सेल में, प्लांट या एनिमल सेल में, तो वो एलियन डीएनए मल्टीप्लाई करता है। लगभग सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा अल्टीमेट एम, हमारा मेन एम होता है कि प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। उस फॉरेन डीएनए से हमें डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस कराना होता है और उसे एप्रोप्रिएट कंडीशन में एक्सप्रेस कराया जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, हेटरोलोगस होस्ट कह रहा है कि इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन हेटरोलोगस होस्ट इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हेटरोलोगस होस्ट, किसी होस्ट में उसे एक्सप्रेस कराया जाता है तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन देता है। अब इसे हम लोग लेबोरेटरी कंडीशन में स्मॉल स्केल में कल्चर करते हैं, फिर लार्ज स्केल में कल्चर करने के लिए बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। बायोरिएक्टर में लगभग 100 से 1000 लीटर कल्चर एप्रोप्रिएट कंडीशन में, ऑप्टिमम कंडीशन में कल्चर कराया जाता है। आइए अब यहाँ पे एक टर्म है कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में इसमें कहा जाता है कि यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट। जो भी मीडियम यूज हुआ उसे निकालते हैं एक साइड से और फ्रेश मीडियम एडेड फ्रॉम अदर, दूसरे साइड से फ्रेश मीडियम डालते हैं। टू मेंटेन सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, सेल को फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन करते हैं सो दैट आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। इससे क्या होता है, ये लार्जर बायोमास देते हैं और उससे आपको हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, जो भी डिजायर्ड प्रोटीन है वो हाई अमाउंट में मिलता है। जब आपको प्रोटीन मिल जाता है तो उसे फाइनली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किया जाता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का दो स्टेप है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को सब्सिक्वेंट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।